अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करता हूँ मैं आप लोगों का फाउंडेशन सीरीज़ के इस सेवेंथ लेक्चर में, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर थ्री की बात करेंगे। और चैप्टर थ्री में हमारे तरह क्या, ग्राफ, ठीक है ना। तो इस चैप्टर थ्री के ग्राफ के पोर्शन में आज जो है हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल, ठीक है। बल्कि उसको मैं ऐसे कह दूं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कह दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। देखिए, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जिसमें a की जगह क्या है 3 है, b की जगह क्या है 2 है और c की जगह क्या है 4 है। बाय कंपैरिजन हम ऐसा कह सकते हैं। सिमिलरली 3x माइनस 2y इक्वल टू ज़ीरो, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें ए की जगह क्या है 3 है, बी की जगह क्या है माइनस 2 है, अगर इसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, सी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो 0 है, समझ आएगा बात है, सी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब सी क्या है 0 है। सिमिलरली एक एग्जांपल और कंसिडर कर लें, 3x इक्वल टू 2y माइनस 4, ऐसा है। देखिए, ऐसा इसको कंपेयर करने से पहले सबसे पहले हमें सारे टर्म को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा 3, b की जगह क्या हो जाएगा माइनस 2 और c की जगह क्या हो जाएगा 4, c की जगह क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो a 3, b माइनस 2, c 4 है, समझ में आ गई बात है। तो हम इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं इसको बाय कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। अगर कोई टर्म नहीं दिख रहा तो मतलब वो उस टर्म का कोफिशिएंट 0 हो गया होगा, अगर या वो टर्म ही नहीं दिख रहा, जैसे सी है यहाँ पे नहीं दिख रहा था, इसका मतलब वो सी ही क्या होगा 0 होगा, ठीक है। कभी कभी 3 इक्वल टू 4, जैसे ये सॉरी x इक्वल टू 4, इसको कंपेयर करने कह दिया गया इससे, इसको कंपेयर करने का तरीका ये होता है कि y का टर्म नहीं दिख रहा तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बल्कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक। चूंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए शर्त था कि ए जीरो या बी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है 0 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हम वाई का कोफिशिएंट 0 करके कंपेयर कर लेते हैं, समझ में आई बात है कि नहीं। तो ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा 0, सी क्या हो जाएगा माइनस 4। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेयर कैसे करना है, ठीक है, कंपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में, जो पिछले लेक्चर्स की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने आपको बताया था कि ग्राफ के ऊपर पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दे रिप्रेजेंट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, दे रिप्रेजेंट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ और ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है जैसे 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ आ गई बात है। अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 रख दें
तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर रख के आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0, दैट विल बिकम 0 माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 4, दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो x इज 0 एंड y इज 2। सिमिलरली अगर x इक्वल टू, सिमिलरली अगर आप x इक्वल टू 2 रख दें, x इक्वल टू 2 पुट कर दे इस रिजल्ट के अंदर, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 2 माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज 6 माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10, दैट इज y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या रही है, 5 आ रही है। सिमिलरली x इक्वल टू माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग y क्या आ जाएगा, अगर आप चेक करना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 करस्पॉन्डिंग 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4, दैट विल गिव यू इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू माइनस 2y इक्वल टू 2, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग y आ रहा है माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 2 y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। x इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू क्या रहा है, एक मिनट चेक कर ले फिर से, x इक्वल टू माइनस 2 दैट विल बिकम माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 2y प्लस 4, दैट इज माइनस 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 1, ठीक है, सही है, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है। तो इस तरह से हम बहुत सारे कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं जो कि इसका सॉल्यूशन होगा, यानी LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम एक चीज और नोट कर लें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। चूंकि आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर पेयर आप चूज कर सकते हैं जिससे क्या जाएगा आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कहां पर, कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है। तो अब देखें यहां पर अगर हमारा है जीरो, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले लें, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या ले लें, वाई एक्सिस, जो कि हमारा तरीका था, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, दैट इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 5। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इन चीजों को यहां पर हम प्लॉट कर सकते हैं, क्या है 0, 2, x इक्वल टू 0 एंड y इज 2, तो 0, 2 है, यानी जब x 0 है तो y क्या है, 2 है, जब x 0 है तो y क्या है, 2 है, तो वो पॉइंट कहां होगा, यहां पर। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 2, 5, यानी x 2 और y 5, x 2 और y 5, 2, 5, और ये पॉइंट क्या था, 0, 2। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, -2, -1, -2, -1, तो -2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट -1, -2, -1, ठीक है। अगर आप इस लाइन को ज्वाइन कर दें, तो क्या मिलेगा, मिल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 से हमें क्या मिल रहा है,
एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन ये मैथमेटिक्स का तरीका है, ये क्या है, मैथमेटिक्स का तरीका है कि हम इसके ग्राफ को प्लॉट करें, फिर उसको कोऑर्डिनेट्स को चूज करें, दो तीन कोऑर्डिनेट ट्रिपलर कोऑर्डिनेट को फाइंड करें, उसके बाद जो है हम इसको प्लॉट करके फिर ड्रॉ करें, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में अगर हम मैथमेटिक्स की तरह इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने लगे तो हम फिजिक्स कम पढ़ पाएंगे और मैथमेटिक्स ज़्यादा हो जाएगी हमारे लिए, ठीक ना। तो इसीलिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हम उसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट नहीं करना चाहते जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा कि पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करें फिर उसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास पहले से ही कुछ इस तरह की ट्रिक हो, आइडियाज हो, जिससे हम इक्वेशन को देखें और बता दें कि ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। चूंकि हमें वहाँ एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए होता है, हमें क्या करना है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करके उसको देखना है कि मतलब उसका नेचर कैसा है, कोई फंक्शन है तो, ठीक है ना, समझाई बात है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई इक्वेशन है तो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे ये इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने पर वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू डिक्रीज करने पर वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमें एक आइडिया चाहिए, हमें ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है कि हम इस तरह से प्लॉट करके देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारी जो आइडियाज़ हो फिजिक्स के अंदर इतना लेंदी ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ को डिस्कस करने के लिए ही हमने ये सीरीज़ शुरू किया है, फाउंडेशन सीरीज़, जिसमें हमने चैप्टर 3 रखा था क्या, ग्राफ का पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर जो है हम ये देखेंगे, इस पार्ट के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि इक्वेशन से ग्राफ, इक्वेशन को देखकर हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वेशन को देखकर हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम इस फॉर्म में ग्राफ को प्लॉट नहीं करेंगे। देखो, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी, बी को डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या है, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स प्लस माइनस सी बाय बी, समथिंग ऐसा है। मैं कम इसको रिप्लेस कर दे रहा हूं माइनस ए बाय बी को एम से और माइनस सी बाय बी को सी से, कैपिटल सी से। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, है ना। तो इस फॉर्म में हम जितनी भी इक्वेशन रहेगी हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है, कौन सी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम इस फॉर्म में बदल देंगे, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन पहले से है, टू एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, वाई एक तरफ है और वाई का कॉफिशन वन है, और सारे टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। y का कॉफिशियंट क्या है, प्लस वन है। अब इसको इससे हम कंपेयर कर देंगे, तो m की जगह क्या है, माइनस टू, और c की जगह क्या है, प्लस टू। y की जगह क्या है, माइनस टू, m की जगह क्या है, माइनस टू, और c की जगह क्या है, प्लस टू। सिमिलरली अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो गई, माइनस वाई प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी का, उसमें वाई का कोएफिशिएंट प्लस वन है। तो सबसे पहले माइनस वन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी से अगर इसको कंपेयर करें तो m की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 1। सी की वैल्यू क्या है? माइनस 1। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो हम उसको बदल सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, और उसका तरीका यह होगा, और उसका तरीका यह होगा, ठीक ना। तो अब कहीं पर कोई इक्वेशन ऐसी दिख रही है इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3x प्लस जीरो है, तो m की वैल्यू क्या है? 3, और c की वैल्यू क्या है? 0। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में अगर वो नहीं है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, अब बढ़ते आगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म से हम ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि उससे ग्राफ को ड्रॉ करना क्या है? आसान है। उससे ग्राफ को ड्रॉ करना क्या है? आसान है। तो मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, इसको रखते हैं यहीं तक, ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें x का कॉफिशियंट m है और कांस्टेंट टर्म c है। ठीक है, नाउ वी विल डिफाइन इंटरसेप्ट एंड स्लोप। इंटरसेप्ट एंड स्लोप, देखिए ये अभी हमने जैसे ग्राफ ड्रॉ किया था तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, मान लो अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ किए कुछ ऐसा आ गया, चाहे ऐसा आ गया। ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू डिफरेंट होगी, c की वैल्यू डिफरेंट होगी, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो जब ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है y एक्सिस के एक पॉइंट को कट करता है। ठीक है, तो इसमें से इस डिस्टेंस को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। सिमिलरली ये चीज कहलाती है x इंटरसेप्ट। क्या कहलाती है? x इंटरसेप्ट, मतलब जहां पर लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस, या सिंपल लैंग्वेज ये कह सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है? x इंटरसेप्ट, और ये क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। समझ गए? तो इंटरसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर x इंटरसेप्ट क्या, y इंटरसेप्ट क्या होगा, ये है ना y इंटरसेप्ट, और यहां पर ये क्या है? x इंटरसेप्ट। ठीक है, ठीक, एक चीज आपको समझ में आ गई कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इंटरसेप्ट बेसिकली यही बताता है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, भले ही इसको हम डिस्टेंस कर रहे हैं, मान लो अगर यहां पर 5 है तो ऑफ कोर्स यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,5। ठीक है, समझ आई बात है कि नहीं आई? y इंटरसेप्ट। ठीक, अच्छा, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमारी लाइन जो है x एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो हमारी लाइन एक पॉजिटिव x एक्सिस से, जो हमारी लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से जो भी एंगल बना रही होगी, उस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे tan थीटा की वैल्यू होगी, जो भी हमारे tan थीटा की वैल्यू होगी, दैट tan थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर अगर ये वैल्यू हो गई 120 डिग्री, जो ऑप्टूज है, ये क्या है? ऑप्टूज है। तो इसमें अगर हम क्या निकाल लें, tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री निकालने का तरीका हमने बताया था, कैसे निकालेंगे इसको? हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60, tan 180 माइनस 60,
और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहली बात 90 का इवन मल्टीपल है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 90 के इवन मल्टीपल में 10 ही रहता है, तो 10 थीटा हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, और 1060 की वैल्यू क्या होती थी, 1060 की वैल्यू क्या होती थी, रूट थ्री। तो ये रूट थ्री और ये माइनस वन, तो 1060 इज रूट थ्री, 1060 इज रूट थ्री। देखिए यहाँ ये था हमारा 60 डिग्री है ना, रूट थ्री बाय वन है ना, रूट थ्री बाय रूट वन टू वन, तो 1060 इज रूट थ्री और बाहर लगा है माइनस, तो क्या आ गया, माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और पता चली कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो तो स्लोप जो है वो निगेटिव होगा, है कि नहीं, चूंकि स्लोप ऑब्ट्यूज होने का मतलब एंगल 90 से ग्रेटर है, एंगल 90 से ग्रेटर है ना, और जब एंगल 90 से ग्रेटर होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, जाहिर सी बात है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के जब अंदर आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 थीटा निगेटिव होता है। दैट्स व्हाई वी से स्लोप विल बी निगेटिव, स्लोप विल बी निगेटिव फॉर, स्लोप विल बी निगेटिव फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप विल बी निगेटिव फॉर ऑब्ट्यूज एंगल। सिमिलरली यहां पर अगर क्या जाए 60 डिग्री, थीटा एक्यूट है ना, 90 से कम है, थीटा क्या है, एक्यूट है, ठीक है ना, तो 1060 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली रूट थ्री। तो ये क्या है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे भी 10 की सारी क्वाड्रेंट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। ठीक है, तो दैट विल बी, दैट इज रूट थ्री इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है ना, क्या होगा, स्लोप होगा। तो क्या देख रहे हैं कि अगर एंगल एक्यूट है, एंगल क्या है, एक्यूट है, तो 1060 यानी 10 थीटा पॉजिटिव है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, यानी स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर देखो हमारी लाइन ऐसे हो जाए, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये लाइन ऐसी हो जाए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, मतलब थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो 1090 है ना, 1090 इज नॉट डिफाइन, ठीक है, या 1/0 की फॉर्म होती थी है ना, इसी चीज को हम ऐसे भी कहते थे है ना, इनफाइनाइट। ठीक है, तो स्लोप इनफाइनाइट हो गया, 90 डिग्री पर स्लोप इनफाइनाइट हो गया, 90 डिग्री से पहले यानी एक्यूट एंगल के लिए स्लोप पॉजिटिव रहा, और 90 डिग्री के बाद यानी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव हो गया। व्हाट अबाउट जीरो, जीरो कब होता है, देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, अगर कोई भी लाइन या तो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के या एक्स एक्सिस के कोइंसाइड, एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा हो, उन दोनों केसेस में हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन है जीरो डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो इससे कोइंसाइड कर रही हो, ठीक है ना, समझ आ गई बात है कि नहीं, चाहे उससे वो कोइंसाइड कर रही हो, तो 10 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है ना, मतलब थीटा अगर जीरो हो तो स्लोप क्या है, जीरो है। तो मेरे ख्याल से आपको दो बातें समझ में आ गई होगी कि स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, इसको अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को मैं जल्दी से समराइज कर दूं कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ ड्रॉ करने में ये जो लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो ये है वाई इंटरसेप्ट और ये है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ठीक है ना, और हमारी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन में कह रहा हूं ध्यान देना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है उस एंगल के 10 थीटा की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप।
ऑफ द लाइन। उसके बाद हमने देखा कि अगर थीटा जीरो हो, इफ थीटा इज जीरो, स्लोप इज जीरो, इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90, स्लोप इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे 60 डिग्री के लिए हमने देखा था, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज यानी थीटा क्या हमारा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, इस कंडीशन में हमारा स्लोप क्या हो जाता है, निगेटिव। और अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री तो स्लोप क्या हो जाता है हमारा, नॉट डिफाइन और से इनफाइनाइट। ठीक है, 10-90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, अब आते हैं हम इसकी तरफ। देखो जब भी हमारी कोई इक्वेशन लिखी हुई होती है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, किस फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो कि क्या है m, दैट रिप्रेजेंट द स्लोप, दैट रिप्रेजेंट द स्लोप, हाँ बिल्कुल, tan थीटा दैट रिप्रेजेंट द स्लोप यानी के tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम किसी इक्वेशन को y is equal to mx plus c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उस कंडीशन में जो x का कोफिशिएंट होता है m, दैट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन, दैट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है ना, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है c, दैट रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को अब हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करेंगे और उससे हमारे पास आइडिया आ जाएगा कि हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो देखें हमने दो चीजें पढ़ी कि टेन थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो थीटा अगर जीरो हो तो स्लोप जीरो, थीटा अगर एक्यूट हो, थीटा अगर एक्यूट हो तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो तो स्लोप निगेटिव, थीटा अगर 90 हो तो स्लोप इज नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, समझ आ गई बात है। और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को जहां पर हमारी लाइन कट कर रही है उसको क्या कह रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, जैसे अगर यहां पर सी ए 5 होगा तो हम क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट इज 5, अगर यहां पर -2 होगा तो हम क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट इज -2। समझ गए, और यहां से हमने पढ़ा कि जब भी कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगी, इन दैट कंडीशन द कोफिशिएंट ऑफ m रिप्रेजेंट द स्लोप यानी tan थीटा, और c रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट, नॉट x इंटरसेप्ट, दैट इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है तो दैट मीन्स कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इन दोनों बातों को कंबाइन कर रहा हूं मैं, कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है 0, c से पास आउट होगा, बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये होता है y इंटरसेप्ट, और मैं यहां क्या कह रहा हूं, इस फॉर्म में c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट, दैट मीन्स दिस लाइन विल मस्ट पास थ्रू 0, c व्हेन वी प्लॉट इट ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, समझ बात है, कार्टेशियन प्लेन में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0, c से पास होगा। ठीक है, समझ बात है कि नहीं आई, तो इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट और द ग्राफ विल पास थ्रू, ग्राफ विल पास थ्रू 0, c, ग्राफ विल पास थ्रू 0, c। अच्छा, उसके बाद जो m था वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्लोप। ठीक है ना, तो अब हम उल्टी तरफ से चलते हैं कि थीटा एक्यूट होता है तो क्या बनता है, थीटा अगर एक्यूट होता है
तो स्लोप पॉजिटिव आता है, यानी टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका मतलब यही है, टेन थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो तो इसका मतलब टेन थीटा निगेटिव है, इसका मतलब टेन थीटा नॉट डिफाइन है, इसका मतलब यहां टेन थीटा जीरो है। जब थीटा जीरो है तो यहीं से हम ये निकालते हैं कि अगर m यानी स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल क्या होता है, एक्यूट। इसका मतलब थीटा जो है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90 डिग्री है। तो क्या मिला कि अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ एक्यूट एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। अगर m पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि x का कोफिशिएंट स्लोप रिप्रेजेंट करता है, यानी tan थीटा पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब थीटा एक्यूट है, यानी कि हमारा लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अब यहीं से लिख लें कि m जो है हमारा स्लोप, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप यानी एक्स का कोफिशिएंट, अगर वो निगेटिव हुआ तो इसका मतलब टेन थीटा निगेटिव है। और टेन थीटा निगेटिव कब होता है, जब थीटा ऑब्ट्यूज हो। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक, समझ में आ गई बात है। बाकी अगर थीटा अगर 90 हो तो ऐसे हम समझ लें, थीटा अगर 90 हो तो जो लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। थीटा अगर 90 हो लास्ट केस में, अगर तो सिमिलरली अगर m जो है हमारा क्या हो जाए, नॉट डिफाइन हो, m क्या हो, नॉट डिफाइन। देखो m नॉट डिफाइन होने का क्या मतलब है, ठीक है, कि वाइज नहीं होगा उस क्वेश्चन इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि m नॉट डिफाइन होने का मतलब है कि ये m जो है 1/0 की फॉर्म होगी, ठीक है। और m 1/0 कब होगा, जब इसका कॉफिशियंट जीरो होगा, क्योंकि इसका कॉफिशियंट जीरो होगा तो जब ये जीरो को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/0 की फॉर्म होगी, ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं। तो उस कंडीशन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्स इक्वल टू के समथिंग ऐसा दिखेगा, है ना। और अगर आपको याद हो कोऑर्डिनेट वाली क्लास, तो x इक्वल टू के रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर y कहीं पर दिख ही नहीं रहा है तो उस कंडीशन में समझ जाना हमारा m नॉट डिफाइन है या इनफाइनाइट है, ठीक है। खैर, और m अगर जीरो है इसका मतलब ये वाला टर्म दिखाई नहीं देगा, यानी y इज इक्वल टू c के जैसा कुछ रहेगा, ठीक है ना। या y इज इक्वल टू c यानी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन सारी इंफॉर्मेशन का
हम यूज करेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो ग्राफ हमारा एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट के जैसा दिखेगा, वो इंफॉर्मेशन वैसा ही देगा जैसा कि हमारा एग्जैक्ट ग्राफ देता है, ठीक है ना। तब हम इक्वेशन करते हैं इस पर और देखेंगे कि कैसे जो है हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कैसे जो है हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो का। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन। उसके बाद नोट करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। एम की वैल्यू क्या है, 3, जो कि क्या है पॉजिटिव, जो कि क्या है पॉजिटिव, यानी कि टेन थीटा पॉजिटिव, यानी कि थीटा एक्यूट। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। C क्या है माइनस वन, यानी कि दैट रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ विल पास थ्रू जीरो कॉमा माइनस वन। अब हम बनाएंगे ऐसे y एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या है जीरो कॉमा माइनस वन कहाँ होगा, अंदाजे से हमें समझ लेना है, जीरो कॉमा माइनस वन समवेयर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं। तो अब देखो, यहाँ से एक लाइन ऐसे पास हो सकती है और एक लाइन ऐसे पास हो सकती है, तो मैं दोनों ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन ऐसे पास हो सकती है और एक लाइन ऐसे पास हो सकती है, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं। हालांकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है, लेकिन एक्यूट और ऑब्ट्यूज के सेंस में देखा तो ऐसा कुछ होगा। तो इन दोनों लाइनों में से कौन सी ऐसी लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है, ऑफकोर्स दिस, ठीक है ना। तो मतलब जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू माइनस वन, उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं। ऐसा कुछ आएगा। हमने कोई कोऑर्डिनेट प्लॉट नहीं किया, सिर्फ उसके m को देखा और c को देखा, बता दिया ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। समझ आई बात है कि नहीं आई। ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट स्लोप रिप्रेजेंट करता है और कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म हमारा y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन। तो m क्या है हमारा, माइनस थ्री, जो कि है नेगेटिव, यानी थीटा ऑब्ट्यूज। थीटा ऑब्ट्यूज क्यों, क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। c क्या है प्लस वन, यानी कि ग्राफ हमारा 0.1 से पास होगा, ग्राफ हमारा 0.1 से पास होगा। तो 0.1 कहाँ होगा, यहाँ पर। यहाँ से एक लाइन ऐसे जा सकती है, एक लाइन ऐसे जा सकती है, उसमें से ऑप्टिव वाला रिजल्ट कौन सा है, ऑफ कोर्स ऐसा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जिसमें से ये कोऑर्डिनेट जो है 0.1 होगा, ठीक है। कहीं पर अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हो 3y माइनस 6x इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहां पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6x, y इज इक्वल टू 6 बाय 3x, 3 टू जा 6, y इज इक्वल टू 2x। और इसको हम कंपेयर कर ले y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो c क्या है 0 और m क्या है 2, m क्या है 2, तो m2 यानी पॉजिटिव, यानी थीटा एक्यूट, है ना, थीटा एक्यूट। c क्या है 0, तो ग्राफ विल पास थ्रू 0.c, दैट इज 0.0। 0.0 इज व्हाट, ओरिजिन। 0.0 इज व्हाट, ओरिजिन। मतलब अगर c 0 हो तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, और थीटा पॉजिटिव है तो क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। तो समथिंग लाइक दिस ग्राफ विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ज्यादा कहीं कम या ज्यादा इंक्लाइन हो सकता है,
ठीक है ना। लेकिन ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखेगा, ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ग्राफ जो है हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़े से एग्जांपल को और देख लें, ठीक है। और यहाँ पर एक बात हमने और नोट की कि y इज इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो वेन c इज जीरो, वेन c इज जीरो दैट इज द इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल टू टू एक्स, तो x का कॉफिशियंट पॉजिटिव, c जीरो, और पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब एक्यूट एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर यहीं पर ऐसा होता y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, तो m यानी m नेगेटिव, यानी के एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज। c जीरो मतलब ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से, तो ऐसा, ठीक है, चूंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए चूंकि m नेगेटिव है। समझ आ गई बात है। तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन कहां से पास होगा, m नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, c इज प्लस वन दैट इज जीरो कॉमा वन से पास होगा। तो जीरो कॉमा वन से m क्या है, माइनस थ्री यानी नेगेटिव, कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस वन, एम क्या है, माइनस थ्री, थीटा ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज, सी कितना है, माइनस वन, ग्राफ विल पास थ्रू जीरो कमा माइनस वन, ग्राफ विल पास थ्रू जीरो कमा माइनस वन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो कमा माइनस वन यहां कहीं आएगा, थीटा क्या है, नेगेटिव, ऑब्ट्यूज होगा, तो ऐसी लाइन बनेगी कुछ, ठीक है ना। y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन, एम क्या है, थ्री पॉजिटिव, यानी के एक्यूट एंगल, c क्या है, माइनस वन, यानी ग्राफ विल पास थ्रू जीरो कमा माइनस वन, ग्राफ विल लुक लाइक समथिंग दिस, जीरो कॉमा माइनस वन से एक्यूट एंगल बनाना है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अगर यहां पर ऐसा हो जाए y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस वन, तो m नेगेटिव, c इज स्टिल जीरो कॉमा माइनस वन, ग्राफ विल पास थ्रू जीरो कॉमा माइनस वन, बट इट विल फॉर्म ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। x इक्वल टू फोर, इसको कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। इसको अगर देखें तो यह है माइनस एक्स प्लस फोर के जैसा, y नहीं दिख रहा, मतलब y का कॉफिशियंट क्या है, जीरो है, y का कॉफिशियंट क्या है, जीरो है। y का कॉफिशियंट जीरो होने का क्या मतलब है, कि y का टर्म नहीं है, तो लेकिन हमारा तो वन होना चाहिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू जीरो, और जीरो को इधर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वन बाय जीरो प्लस फोर बाय जीरो। तो ये देखो m क्या हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी टेन थीटा नॉट डिफाइन, टेन थीटा इज नॉट डिफाइन फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ग्राफ विल पास थ्रू एट विच पॉइंट, फ्रॉम विच पॉइंट, ठीक है, पता नहीं क्यों, चूंकि सी भी तो इनफाइनाइट हो गया, सी भी तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। तो एक ऐसी लाइन है थीटा 90 का मतलब, यह है वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, एक ऐसी लाइन है जो के परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से, है ना, और वाई के पैरेलल है, चूंकि स्लोप थीटा 90 तभी होगा जब ऐसी लाइन होगी,
तो ऐसी लाइन तो बहुत सारी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसको ये देख लो कि x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, y की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखो तो x की वैल्यू हमेशा 4 आएगी। तो मतलब इन सारी लाइन में से सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन होगी जो कि 4,0 से पास आउट होगी, जो कि 4,0 से पास आउट होगी। तो इसलिए हम कहते थे x इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पास थ्रू k,0, ठीक है ना। अब ऐसा हो जाए y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 का मतलब x नहीं दिख रहा, यानी x का कोफिशियंट 0 रहा होगा। तो m इज 0 एंड c इज 4, दैट मीन्स ग्राफ विल पास थ्रू 0,4 और m 0 का मतलब tan theta 0 इज ओनली व्हेन थीटा इज 0, हमने पीछे नोट किया था। तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल है, क्योंकि एंगल थीटा 0 कब होता था, जब x एक्सिस से लाइन कोइंसाइड करे या पैरेलल हो, ठीक है ना। तो एक लाइन है जो कि 0,4 से पास होगा और पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के, दैट्स व्हाई वी से y इक्वल टू k रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, और उसी से हमने अप्रोक्सीमेशन से भी बता दिया कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाए जैसे x इक्वल टू 4 या y इक्वल टू 4 तो उसका ग्राफ भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ के चैप्टर 3 के ग्राफ में जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब पहला लेक्चर है हमारा सीरीज के हिसाब से, तो बेसिक मैथ में हम पार्ट 1 के हिसाब से डालेंगे, तो ग्राफ का तो पहला है लेकिन सीरीज का हमारा 7th लेक्चर है पार्ट 1 का, ठीक है ना। तो अगली क्लास में, मतलब अगले लेक्चर के अंदर जो है हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ को देखेंगे। थैंक यू।